हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। हम एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम चक्रास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्ड। आज हम बात करेंगे फोर्थ चक्रा की। हम तीन चक्रास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा। आज हम बात करेंगे हार्ट चक्रा के बारे में, जिसको कि हम अनाहत चक्रा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ चक्र है और ये मणिपुर चक्रा के ऊपर स्थित है। हमारी बॉडी में अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो दोनों लंग्स के बीच में, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ, आप उसमें देखिए, या हम कहें कि चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। इसका कलर ग्रीन है और एलिमेंट है वायु, जिसको कि हम विंड भी कहेंगे। एंड फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर चक्र किसी एक एंडोक्राइन ग्लैंड को गवर्न करता है। तो जो हमारा हार्ट चक्रा है, ये थायमस ग्लैंड को गवर्न करता है। थायमस ग्लैंड क्या है? हमारी बॉडी में थायमस ग्लैंड जब 14 ईयर्स के होते हैं तब तक, या कहें कि बच्चा जब 14 साल का होता है तब तक उसका थायमस ग्लैंड एक्टिव होती है। उसके बाद वो एक वेस्टिजियल पार्ट की तरह हमारी बॉडी में रहती है, मतलब इनएक्टिव रहती है। तो क्या काम है थायमस ग्लैंड का? थायमस ग्लैंड हमारी बच्चों की ग्रोथ को गवर्न करती है एंड उनकी इम्यूनिटी बनाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए एंडोक्राइन ग्लैंड के काम। अब हम जो उसकी लोकेशन है हार्ट चक्रा की, उससे हम ये समझ गए कि हमारे चेस्ट एरिया में दो बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रेंड्स, फिज़िकल लेवल पे हमारे हार्ट, हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट ब्लड सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी को पैल्पिटेशन है, फिज़िकल लेवल पे हार्ट चक्रा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को गवर्न करता है। एंड नॉन फिज़िकल लेवल पे हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। राइट फ्रेंड्स, इमोशन से जुड़ी एक और चीज़ आती है, काइंडनेस की फीलिंग, एक फील ऑफ लव एंड काइंडनेस, उसको गवर्न करता है नॉन फिज़िकल लेवल पे। अब फ्रेंड्स, हमारे हार्ट चक्रा में किसी भी तरह से कोई इम्बैलेंस आ जाए एनर्जी का, वो हाइपर एक्टिव हो जाए या हाइपो एक्टिव हो जाए, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम एक पर्सन में आनी शुरू होती हैं? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम को गवर्न करता है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या पैल्पिटेशन बढ़ गई, हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। या लंग से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, उस पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी, उसको बार बार कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, या एस्थमा से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो फिज़िकल लेवल पे आनी शुरू हो जाएंगी। और नॉन फिज़िकल लेवल पे क्या होगा कि उस पर्सन के अंदर उसके इमोशनल, मतलब उसके अंदर एक इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, कि वो पर्सन अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है, मतलब वो किसी को अपने क्लोज नहीं आने देता है। मतलब एक किसी भी तरह का रिलेशन बनाने में किसी के साथ एक बॉन्डिंग नहीं बना पाता। साथ में क्या होता है कि उसकी अनवांटेड डिज़ायर्स हो जाती हैं उसके अंदर। एक जो हमने कहा था कि हार्ट चक्रा की नॉन फिज़िकल लेवल पे जो क्वालिटी है कि एक काइंडनेस का फील होता है, एक लव फील होता है, लव का फील होता है फॉर आर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, तो उसके अंदर ये फील नहीं होता। वो उसके अंदर अपने लिए भी और किसी और के लिए भी ना कोई काइंडनेस, कोई कंपैशन, ये सब नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम अगर अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करें तो एक पर्सन के इमोशंस फौरन कंट्रोल में आ जाते हैं और एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनती है। अगेन फ्रेंड्स, वही हम रेकी की हेल्प से अपने हार्ट चक्रा को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम ये सीरीज़ अभी पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम डेफिनेटली ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया हार्ट चक्रा के बारे में। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये सब जान के। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।